This video is sponsored by KW Delhi 6. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते. मैं हूँ सोनम फ्रॉम सोल स्पीक टैरो. एंड अब मैं वापस आई हूँ आपको बताने कि आपका नेक्स्ट मंथ कैसे जाने वाला है. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आपका मंथ जैसे मैंने बोला था वैसा गया कि नहीं. एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन. सो अभी हम देखेंगे कि द मंथ ऑफ ऑगस्ट क्या होल्ड करता है फॉर डिफरेंट सन साइंस. एंड द फर्स्ट साइन दैट आई एम गोइंग टू डू इज फॉर द सन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो जिनका बर्थडे डिसम्बर 22 से जैन 22 तक आता है उनके लिए मंथ ऑफ ऑगस्ट में क्या है. दिस इज़ एन एक्सीलेंट कार्ड टू गेट. तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो मंथ ऑफ ऑगस्ट रहेगा उसमें दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ देयर ओन. बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो. मनी फाइनेंसिस के लिए इट्स एक्सीलेंट. एंड आप बहुत अच्छे से आप जो भी कुछ नया इनिशिएटिव करोगे या अपने करियर में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो बहुत प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगा आपको. दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू. एंड कुछ भी अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया या कुछ भी है तो आप ज़रूर उसे ट्राई करें. एंड आई फील कि योर हेल्थ विल ऑल्सो बी वेरी गुड. आपके लिए जो गाइडेंस है इस मंथ फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर कैप्रिकॉर्न इज दैट फॉलो योर ट्रूथ. जो आपको सच लगे उसका साथ दें. अगर आपकी सिचुएशन में सराउंडिंग्स में आपको लग रहा है कि किसी के साथ कोई अनफेयर बिहेवियर हो रहा है तो ज़रूर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं. एंड जस्ट फॉलो योर ट्रूथ. अगर आपकी किसी से अनबन चल रही है और आप अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप झगड़ा अवॉइड करने के लिए कई बार अपने मन की बात नहीं बोलते हैं तो ये कार्ड आपको इस बार ऑपोजिट करने को कह रहा है. ये कार्ड कह रहा है कि आप वो बोलें जो आपको सही लगता हो. स्टैंड फॉर व्हाट इज ट्रू टू यू. तो ये हो गया कैप्रिकॉर्न. अब हम नेक्स्ट आएंगे एक्वेरियस पे. तो जिनका बर्थडे जैन 22 से फेब 22 आता है उनके लिए मंथ ऑफ ऑगस्ट में क्या है. लेट अस सी. सो फॉर एक्वेरियस द मंथ ऑफ ऑगस्ट इज वेयर आई सी कि आप में थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा. आप शायद किसी चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. बट जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ख़राब नहीं है. वो आप थोड़ा सा ओवर नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो यू नीड टू अवॉइड दैट. एंड कोई खबर, कोई नई न्यू मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आप तक आ सकता है. बहुत ही क्लियर माइंड से, क्लैरिटी से आप इसको देखें एंड समझें. एंड ऑल्सो कोई नया बंदा आपके लाइफ में आ सकता है. ये कोई मेल पर्सन है प्रॉबली. ये आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आप काफ़ी टाइम से मे बी टच में ना हो. उनसे किसी से कॉन्टैक्ट हो सकता है. ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि अगर आप आउट ऑफ टच हो गए हैं अपने किसी फ्रेंड से तो प्लीज़ get in touch with them. This is a good time to do that and you will get some sort of new information or communication. And please aap zyada stress na le. Aapke liye jo guidance ka card hai is month, that is this healing chaos, which says ki kai baar aapko is month aisa lagega ki sab kuch gadbad ho raha hai and jo aap chahte hain wo nahi ho raha hai. To ye card ka bada hi simple sa sweet sa meaning hai ki एक स्टॉर्म के बाद, एक टॉर्नाडो जो है, एक साइक्लोन के बाद ही आपको जो है आपकी अचीवमेंट मिलेगी. जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा. सो वॉट एवर केओस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इट विल लीड टू पीस इवेंचुअली. सो डोंट ज़्यादा परेशान ना हो. एंड कभी कभी केओस नेसेसरी होता है तो आपका आपकी किसी आसपास अपनी किसी खास के साथ कुछ लड़ाई हो सकती है. बट डोंट वरी, लड़ाई के बाद जो है वो पीस होगी. एंड ये जो केओस है ये आपके लिए हीलिंग केओस होगा. तो इसलिए आप स्ट्रेस ना लें. ये हो गया एक्वेरियस. और अब हम आते हैं पाइसी सन साइन के लिए. तो पाइसीस जिनका बर्थडे फेब 22 से मार्च 22 आता है उनके लिए मंथ ऑफ ऑगस्ट में क्या होगा. आइए देखते हैं. वाओ, उनके लिए मंथ ऑफ ऑगस्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल. आप अगर किसी प्रोजेक्ट या किसी करियर में किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा. August is a month when you can get public recognition for something, maybe promotion हो, award हो office में, किसी तरह की limelight आपके ऊपर हो सकती है. कोई travelling के plans बन सकते हैं. maybe आपको किसी project में
भेजा जाए अब्रॉड, इस चीज़ की बात स्टार्ट हो सकती है। आई अंडरस्टैंड हम अभी लॉकडाउन में हैं, ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, बट मे बी ये बात स्टार्ट हो सकती है। दिस इज़ एन एक्सीलेंट कार्ड। अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हैं तो ये कार्ड शो करता है कि अभी वो टाइम आ गया है जब आपके सारे एफर्ट्स जो हैं वो पे ऑफ करेंगे एंड यू विल गेट सक्सेस इन वॉट एवर इट इज़ दैट यू वॉन्ट। ये आपके हस्बैंड से भी रिलेटेड हो सकता है, अगर आपके आसपास कोई प्रमोशन या किसी चीज़ का वेट कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। जो गाइडेंस है वो है एक्शन। ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। जो आप चाहते हैं वो अपने आप से आपके पास नहीं आएगा, तो थोड़ा सा एक्शन लेना आपके एंड पे ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं तो कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट पाथ, इवेंचुअली एक्शन से जो है आपके रिवॉर्ड्स आप तक आएंगे। तो ये जो हो गया ये हमने पाइसिस का देख लिया, मंथ ऑफ अगस्त कैसा जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सन साइन पे विच इज़ एरीज। तो जिनका बर्थडे मार्च 22 से अप्रैल 22 है उनके लिए लेट्स सी कि मंथ ऑफ अगस्त 2020 में क्या होने वाला है उनके साथ। एंड एरीज के लिए जो ये कार्ड है, ये कार्ड देखने में काफ़ी डिप्रेसिंग लग सकता है, बट डोंट वरी इट इज़ नॉट। ये कार्ड इट्स कॉल्ड सोरो एंड इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि कोई चीज़ है जो आपके पास्ट में हुई है बट आपने उसे पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया है, आप पूरी तरह से उससे हील नहीं हुए हो। तो इस कार्ड की एक स्टोरी है, ये जो बंदा है ये ही इज़ अ फॉलोअर और अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा एंड व्हेन बुद्धा डाइड ही डिडंट क्राई एंड आफ्टर 12 years एक दिन रात में बैठ के इस ये जी भर के ये बंदा रोया एंड ही टुक आउट एवरीथिंग दैट ही वॉज फीलिंग एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही अटेंड निर्वाणा। सो इसका मैसेज आपके पास ये है कि कोई पास्ट में चीज़ हुई है आपके साथ जो आपने अपने जहन में दबा के रखा है, आपने निकाला नहीं है, तो यू मस्ट एड्रेस दिस। आप इसे अपने सिस्टम से बाहर निकालें तो आप हील हो पाओगे। इस कार्ड में एक और चीज़ मुझे लग रही है, वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं और आपको रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आप बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि सिचुएशन जैसा आप समझ रहे हो उससे काफ़ी बेटर है। तो जो मंथ ऑफ अगस्त है उसमें आप किसी पास्ट हीलिंग को कंप्लीट करेंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सो डोंट वरी अगर ये कार्ड आपको नेगेटिव लग रहा है। और आपके लिए जो गाइडेंस है वो है इनर पीस। अगस्त में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको इनर पीस मिलेगा, तो ये बिल्कुल इससे मैच हो रहा है कि आप अगर अपने पास्ट के इशूज़ को हील कर देंगे तो यू विल फाइंड इनर पीस एंड ऑल्सो जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आप तक ज़रूर आ रही हैं। आपको बस बिलीव करना है कि वो आ रही है एंड यू विल गेट इनर पीस। जैसे ही आप इनर पीस पा लेंगे आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, आई होप ये आपको अच्छा लगा। अब जो है हम नेक्स्ट सन साइन पे आते हैं, तो अब हम एरीज के बाद देखेंगे टॉरस कि टॉरस सन साइन के लिए मंथ ऑफ अगस्त में क्या है। तो जिनका बर्थडे अप्रैल 22 से लेके मई 22 तक आता है उनके लिए मंथ ऑफ अगस्त में क्या है, तो उनके लिए मैच्योरिटी का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है एंड ये डिनोट करता है कि आपने अब तक जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं लाइफ में वो फुल सर्कल आएगा एंड वो एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे एंड आपके पास इस मंथ कोई ऑफ़र आ सकता है, सामने से कोई ऑफ़र एंड फॉर मोस्ट ऑफ देम इट विल रिलेट टू करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई ऑफ़र आ सकता है। एंड ये जो ऑफ़र है कि आपने अपनी मेहनत से मैनिफेस्ट किया है, तो वॉट एवर एफर्ट्स आपने इतने टाइम तक लगाया है उसके कारण ये ऑफ़र आपके पास आया है। The month of August is an excellent time for you to start something new. कोई करियर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव बिजनेस रिलेशनशिप कोई भी चीज़ हो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इट्स अ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स एंड आप बहुत ही बखूबी इसे निभाओगे क्योंकि आपके पास्ट ने आपको इस मोमेंट के लिए तैयार किया है। एंड आपका जो गाइडेंस है वो ये है ट्रस्ट। ये कार्ड ये बोलता है कि जो भी आपको चाहिए वो यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली है, वो सब आपके पास आएगा। आप बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो इन दी प्रोसेस। जो टाइमिंग पे हो हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वी कांट ऑलवेज प्रेडिक्ट कि कोई चीज़ जो हम चाहते हैं वो कब होगी। तो ये कार्ड का मीनिंग ये है कि आप बस ट्रस्ट रखें कि इवेंचुअली वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके तरफ आ रही है और आपको सून मिलेगी। आप बस इम्पेशेंट ना हो, टाइमिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है बट वो चीज़ ज़रूर आप तक आएगी। थैंक यू, ये हो गया सन साइन टॉरस। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं?
तो फिर देर किस बात की? प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड. गो एंड रीड अ प्रोजेक्ट हाइलाइट्स. और अब हम नेक्स्ट आएंगे टू लुक एट जेमिनी एंड व्हाट डज द साइन ऑफ जेमिनी. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट? एंड जेमिनी इज फॉर देम जिनका बर्थडे आता है May 22nd से June 22nd तक, उनके लिए हम देखते हैं मंथ ऑफ ऑगस्ट 2020 में क्या है. तो जेमिनी के जो लोग हैं वो किसी चीज़ पे पास्ट पे अभी भी अटके हुए हैं एंड काफ़ी कोशिश वो करते हैं लेकिन वो कोई चीज़ भुला नहीं पा रहे हैं. इस कार्ड की स्टोरी है कि एक बंदे के सामने 5 कप्स थे बट वो जो 3 कप्स स्पिल हो चुके थे सिर्फ उस पर ध्यान दे रहा था और जो 2 कप्स फुल थे उस पर नहीं ध्यान दे रहा था. तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप नोटिस करें कि आपके लाइफ में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ बहुत अच्छा है आपके सामने जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट आपको आपको यू हैव टू ग्रैस्प इट. जो अपॉर्चुनिटी आपके प्रेजेंट में है वो आप ग्रैस्प करें और आप पास्ट से आगे हटें, पास्ट को भूल जाएं. बिकॉज जब तक आप पास्ट में फोकस्ड रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगस्त में आप इस पास्ट इशू से डील करें एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट की तरफ पॉजिटिवली देखें. जो होना था वो हो गया है पास्ट में. और आपके लिए जो गाइडेंस है वो है ब्लेसिंग्स. अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप पास्ट को फॉरगेट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स ने रेडी रखे हैं और जो आपकी तरफ आएंगे. तो आपको बस पास्ट को फॉरगेट करना है एंड यू हैव टू लर्न योर लेसन एंड देन मूव ऑन. एंड देर आर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ बट आप इतने फोकस्ड हो पास्ट में कि आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हो कि इतने सारे ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके आसपास हैं. तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो, थोड़ा सा मेंटली ओपन अप करें तो यू विल रियलाइज कि बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है. तो ये हो गया सन साइन जेमिनी की बात की हमने. और अब जो है हम आएंगे सन साइन कैंसर पे. तो जिनका बर्थडे June 22nd से July 22nd तक आता है उनका सन साइन कैंसर है. एंड लेट्स सी मंथ ऑफ अगस्त में उनके लिए टैरो के तरफ से क्या है. उनके लिए जो है ये राइपनेस का कार्ड है. ये बस ये बोलता है कि जो भी आपको चाहिए वो ज़रूर आपको मिलेगा. यू जस्ट हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. जब फल पकता है तभी इट टेस्ट्स बेस्ट. अगर आप कच्चे फल को तोड़ के खाएंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना जूसी फल नहीं होगा. तो इसलिए आपको वेट करना है कि आपका फल कब पके और खुद आपके लैप में वो गिर जाएगा. तो यू जस्ट हैव टू हैव पेशेंस एंड जो भी आपको चाहिए वो सब आपके पास आएगा. फॉर सम ऑफ यू आई फील कि अगस्त में कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है. और ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं. तो ये वाली जो चीज़ है, जो फल का आपको काफ़ी टाइम से वेट कर, आप काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार है, वो आपको मिल जाएगा. एंड ये बहुत ही अच्छा टाइम है एंड स्पेशली दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंस. और आपके लिए जो गाइडेंस है वो बिल्कुल बैठ रहा है. ये कार्ड का भी नाम पेशेंस है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बस पेशेंस रखें एंड हैव फेथ कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा. ऑगस्ट इज़ अ मंथ ऑफ पेशेंस एंड आई फील बाई दी एंड ऑफ ऑगस्ट आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगी. बट जो मेजॉरिटी, जो मेजर आपका गोल है वो शायद ऑगस्ट के बाद होगा. बट हैव पेशेंस एंड जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी वो चीज़ आपके पास आएगी. तो ये था सन साइन कैंसर. और अब हम आते हैं लियो के लिए. तो जिनका बर्थडे July 22nd से लेके August 22nd है, उस लियो सन साइन के लिए हम देखते हैं कि मंथ ऑफ ऑगस्ट 2020 में आपके लिए क्या है. वाओ, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू. आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं वो अगस्त में आपका पूरा होने वाला है. बहुत चांसेस हैं कि ये किसी रिलेशनशिप के बारे में हो या कोई और चीज़ हो, ये कुछ और भी हो सकता है. बट काफ़ी टाइम, काफ़ी बार ये कार्ड जो है रिलेशनशिप के बारे में होता है. ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं आपके लाइफ में, कोई एक्वेरियस या पाइसियन हो सकता है. अगर आप उसके लिए रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव है. एंड आप जो भी कर रहे हो आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो एंड आपने बहुत एफर्ट डाला है एंड अभी टाइम आ गया है कि आपके सारे विशेज़ जो हैं वो ट्रू होने वाले हैं. और आपके लिए जो गाइडेंस है वो बिल्कुल, एज आई सेड, रिलेशनशिप के लिए है. तो आपके लिए गाइडेंस भी बिल्कुल वही आया है.
लव इज ऑल अराउंड यू, जस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट इट. तो आप ओपन आर्म से लव को वेलकम करें, आपके चारों तरफ लव है. दोज ऑफ यू जो ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है में है, आपकी रिलेशनशिप या आपकी मैरिज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट काफ़ी और इम्प्रूव हो सकती है. तो दैट इज़ आई थिंक अ वेरी गुड न्यूज़. टू जस्ट बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी एंड एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट इज हेयर. दिस वॉज वेरी नाइस एंड दिस वॉज फॉर द सन साइन ऑफ लियो. और नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्गो पे. तो जिनका बर्थडे August 22nd से September 22nd है, उनके लिए जो मंथ ऑफ अगस्त है उसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे किसी चीज़ को लेने के. कोई डिसीजन आप जो लेना चाहेंगे, यू विल हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. तो आप ध्यान से ढंग से देख के सोचें और सही ऑप्शन को उठाएं. ये कार्ड ये भी कहता है कि आप मंथ ऑफ अगस्त में थोड़ा सा बी वेयर रहें कि आप जो सही इंप्रेशन है वो लोगों पर पहुँचा रहे हैं. आप अगर किसी नए बंदे से मिलते हैं तो मेक श्योर कि वो बंदा आपको सही से पहचान रहा है, आप अपना सही इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हो. एंड ऑल्सो वाइस वर्सा, अगर आप किसी से मिल रहे हो तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन पे नहीं जा रहे हो, एंड आप ये श्योर करें कि आप ठीक से उनको पहचान रहे हो और सही पॉइंट पे आप समझ पा रहे हो कि वो बंदा रियल में कैसा है, ना कि जस्ट फर्स्ट गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें. और आपके पास किसी चीज़ में काफ़ी ऑप्शन रहेंगे टू चूज बिटवीन, तो आप ध्यान से ऑप्शन चूज़ करें. और आपके लिए जो गाइडेंस का कार्ड है उसका नेम है करेज. सो करेज कार्ड ये बोलता है कि आप जो भी करें, जो भी रिस्क लेने का अच्छा टाइम है मंथ ऑफ अगस्त, आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो भले ही आपके मन में डर हो, फियर हो, गेट ओवर इट एंड करेज के साथ आप उसको उसको यू नो टेकअप करें, इनिशिएट करें. क्योंकि एज लॉन्ग एज यू हैव करेज आई थिंक एवरी थिंग विल फॉल इन प्लेस. कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, आपको बस अभी हिम्मत रखने की ज़रूरत है. सो ये जो था ये सन साइन वर्गो के लिए हमने देखा है. और अब नेक्स्ट हम आते हैं लिब्रा के लिए. तो जिनका बर्थडे बिटवीन September 22nd टू October 22nd है, वो सन साइन लिब्रा के लिए लेट्स सी कि मंथ ऑफ ऑगस्ट 2020 कैसा होगा. और आपके लिए जो मंथ ऑफ ऑगस्ट है, दिस इज़ एक्सीलेंट. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्पेशल कमिटमेंट. तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो दिस इज़ द कार्ड विच सेज कि आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाओगे. दिस कैन डिनोट एंगेजमेंट या फिर प्रॉपर कमिटमेंट, ऑफिशियल करना किसी रिलेशनशिप को. फॉर सम इट कैन बी फिक्सिंग ऑफ मैरिज, इट कैन बी बेबी टेकिंग डिसीजन टू यू नो कंसीव अ बेबी, इट कैन बी एनी थिंग. तो आप डिपेंडिंग ऑन आप अभी किस लेवल पर रिलेशनशिप में हो, अगर आप सिंगल हो तो आपके पास कोई ऑफर आ सकता है कमिटमेंट का. ये कार्ड ये भी बोलता है कि बाकी लोगों से आपको काफ़ी लक आएगा. तो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे बी केयरफुल, अच्छा नेटवर्किंग करें, वो लोग आपके लाइफ में काफ़ी बाद में काम आएंगे. एंड नेटवर्किंग टीम वर्क के लिए बहुत अच्छा है. तो अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो और टीम सेटिंग में आपका वर्क है तो टीम वर्क इज़ वेरी गुड फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. और आपके लिए जो गाइडेंस है वो है डिलीजेंस, विच सेज दैट आप जो भी कर रहे हो अभी, जो भी आप एफर्ट डालोगे, भले ही आपको प्रोग्रेस बहुत स्लो लग रहा है, बट आप अभी जो भी डिलीजेंस है, जो भी एफर्ट डालोगे वो बिल्कुल पे ऑफ करेगा. एंड एवरी लिटिल थिंग दैट यू डू नाउ विल पे ऑफ इन द फ्यूचर. तो अभी आप कोई शॉर्टकट्स ना लें, कोई कॉर्नर्स कट ना करें, अभी आप बिल्कुल पूरे ध्यान से डिलीजेंटली चीज़ें फॉलो करें एंड यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट. सो ये जो था ये था सन साइन ऑफ लीब्रा. और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टू सन साइंस पे. तो नेक्स्ट हम आते हैं स्कॉर्पियो. तो जिनका बर्थडे October 22nd से November 22nd है, उनके लिए मंथ ऑफ August 2020 में ये कार्ड कहता है ट्रैवलिंग. आई अंडरस्टैंड कि अभी हम लॉकडाउन में हैं एंड आप लोग शायद ट्रैवल ना कर पाएँ, बट अगर पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सिटी में हो, आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल कर सकते हैं या आप अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हैं या फैमिली आ सकती है. ये कार्ड ये दर्शाता है कि काफ़ी कोई फास्ट कम्युनिकेशन आने वाला है आपकी तरफ. कोई है आपके लाइफ में जो आपको कुछ कम्युनिकेट करके कोई मैसेज आपको सेंड करने वाला है. ये जो मैसेज है ये काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और ये बहुत ही अच्छा मैसेज रहेगा. मे बी आप इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो टू हियर फ्रॉम देम एंड आप यू विल गेट दैट कम्युनिकेशन. ओवरऑल ये कार्ड बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है. तो अगर आपको अपनी लाइफ काफ़ी स्टैगनेंट लग रही है रिसेंट में, देन दिस इज़ अ कार्ड विच सेज दैट थिंग्स आर अबाउट टू स्टार्ट मूविंग. तो अगस्त जो है आपके लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा. और जो आपका जो कार्ड है वो इट्स कॉल्ड पावर. तो गाइडेंस का कार्ड है वो आपको ये कह रहा है कि आप में बहुत अंदर में बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल हो, बट आप रियलाइज़ नहीं करते हो.
कि आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो, बट आप कई बार अपने आप को डाउट करते हो, बट आपके आसपास के लोगों को पता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। तो इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने पावर पे ट्रस्ट करें और उन चीज़ों की तरफ वर्क करें जो आपको चाहिए। आप ढंग से अगर विजुअलाइज करेंगे, सोचेंगे अपने ड्रीम्स के बारे में, तो आपको ज़रूर मिलेगा। यू जस्ट हैव टू रियलाइज हाउ पावरफुल यू आर। सो ये जो हो गया ये सन साइन स्कॉर्पियो का है। और अब हम लास्ट आ जाते हैं एंड सन साइन सजिटेरियस। तो जिनका बर्थडे नवंबर 22nd से दिसंबर 22nd है, लेट मी सी, उनके लिए जो मंथ ऑफ ऑगस्ट है उसके लिए ये है, दिस इज़ एन आउटसाइडर। एंड ये बच्चा जो है, इसे बाहर जाके खेलने का बहुत मन है, बट जो गेट है उसके हिसाब से लॉक्ड है, सो ही इज़ नॉट गोइंग। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लॉक ओपन है एंड द चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू द प्ले ग्राउंड। सो ये कार्ड का मीनिंग आपके लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको लाइफ में कोई चीज़ चाहिए, बट आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि वो ऑलरेडी आपके आसपास है और आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो कि आप वो, आपको वो मिल जाए, और आप शायद दुखी और थोड़ा अपसेट और डिसअपॉइंटेड भी हो रहे हो। तो कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आप अपने आसपास देखें एंड यू ऑलरेडी हैव एक्सेस टू व्हाट यू वांट। जैसे एग्जांपल, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए किसी से, या मे बी आपको लगता हो कि वो पर्सन बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता हो, बट यू डोंट नो कि वो बंदा भी आपको पसंद करता है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कार्ड विच सेज दैट वॉट एवर यू वॉन्ट ये बिल्कुल आपको एक्सेसिबल है। सो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट होपफुली आप ये रियलाइज करेंगे कि ये कौन सी चीज़ है जो आपको चाहिए एंड कैसे ये आपको बिल्कुल एक्सेसिबल है। कभी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप हर जगह अप्लाई कर रहे हो, वेबसाइट्स पोर्टल्स पे ढूंढ रहे हो, पर जो जॉब है वो शायद आपकी नेबर में किसी ने आपको सजेस्ट किया है, या मे बी आपकी सिस्टर की ऑफिस में एक ओपनिंग है। तो ये वो कार्ड है कि जो आपके आसपास काफ़ी कोई चीज़ है बट आपको अभी रियलाइज नहीं हो रही है। दिस इज़ फॉर दी साइन ऑफ सजिटेरियस। एंड आपका जो कार्ड है ये मुझे वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स है, इट्स कॉल्ड सिंप्लिसिटी। और ये कार्ड ये बोलता है कि अपनी लाइफ को बिल्कुल डीक्लटर करके सिंपल कर दो। जो चीज़ें आपको लाइफ में काम नहीं आ रही है, जो पुराने कपड़े हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुराने मेमोरीज हैं, एवरीथिंग, पीपल हु आर नो लॉन्गर वर्किंग फॉर यू, गेट रिड ऑफ देम। बिल्कुल अपनी लाइफ को डीक्लटर कर दो। आप जितना अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करोगे आप उतना ही पीसफुल रहोगे। This was for the month of August for all sun signs. Thank you for watching my video. Namaste and thank you for all your love and support. And do let me know in the comments ki aapko mera video kaisa laga. Namaste. Thanks for watching this video. For further details, contact us at 8010908888. Thank you.